जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। स्टडी में हम जानेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों से। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले। यदि हमारे चैनल में पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एक, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय आपको कौन था? शतरंज में जो आपको विश्व चैंपियन भारतीय हैं आपको विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्वनाथन आनंद आपको शतरंज में आपको प्रथम विश्व चैंपियन है, आपको भारतीय थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर दो, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र आपको कौन सा था? भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है आपको द न्यूज टूडे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द न्यूज टूडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर तीन, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टूडे आपको कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो 3 जनवरी 2001 ईस्वी को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो आपको शुरुआत करी गई है 3 जनवरी 2001 ईस्वी को, उसका नाम था द न्यूज टूडे। नेक्स्ट और बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर चार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नियुक्त आपको प्रथम भारतीय आपको न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री आपको कौन बने थे? जो भारत के प्रथम गृह मंत्री बने हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर छः, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से आपको कम है? किस राज्य में भारत के पुरुषों की संख्या आपको स्त्रियों की संख्या से कम है? तो याद रखेंगे केरल राज्य में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर सात, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी आपको कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वो आपको जमशेदपुर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर आठ, हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको दयाराम साहनी ने की है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दयाराम साहनी ने आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर नौ, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य आपको लड़ा गया था? जो त्राइन का प्रथम युद्ध आपको 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर दस, विधवा पूर्ण विवाह कानून आपको कब बना था? विधवा पूर्ण विवाह कानून आपको कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला, 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून जो है वो आपको बनाया गया था, याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति आपको कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में आपको गृहयुद्ध कितने वर्षों तक चला है? तो 7 वर्षों तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 7 वर्षों तक इंग्लैंड में आपको गृहयुद्ध जो है वो चला था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 13, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य आपको भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय एशिया से आपको आर्य जो है वो भारत में आए थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई है? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी आपको? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी वाला, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की आपको रचना हुई थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी आपको कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अफगानिस्तान का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी आपको अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम आपको जीता था? वो कौन से मुस्लिम शासक थे जिन्हें बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी मुस्लिम शासकों ने। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में? तो सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित करा था, सूरत शहर में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, पहली सहायक संधि आपको कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, जो पहली सहायक संधि है आपको निज़ाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक संगीत का पिता आपको किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पिता आपको किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का आपको पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, कुचिपुड़ी नृत्य आपको कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य का आपको लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार आपको कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार है आपको उस्ताद ईसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार आपको किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार आपको कलिक को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे किसे माना जाता है, तो कलिक को। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण सम्राट अकबर ने आपको फतेहपुर सीकरी में करवाया है, तो पंचमहल का निर्माण। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने आपको बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो स्थित है आपको लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपको किस समाज की स्थापना करी है? तो आर्य समाज की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपको आर्य समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना आपको बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने आपको इबादत खाना जो है वो बनवाया था? तो अकबर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, अकबर ने आपको इबादत खाना बनवाया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भारत की प्रथम महिला आपको शासक बनी है वो कौन बनी है? तो रजिया बेगम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला आपको शासिका थी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, टीपू सुल्तान मैसूर के आपको ये शासक थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन 29, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आपको कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आपको कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हैं आपको मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो आपको स्थापित कराया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आपको प्रथम भारतीय साम्राज्य आपको स्थापित करा गया था। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हम ऐसा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि किसी वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।